प्रदूषित यमुना पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को दिखाया आईना कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूं। नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है, प्रदूषित कर देता है 70% प्रदूषण का कारण ये नाला। के अरविंद केजरीवाल जी, मीडिया की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो। मैं खड़ा हूँ इस समय, ये जो मेरे पीछे बह रही है, बह रहा है, ये नदी नहीं है साथियों, ये नजफगढ़ ड्रेन है, एक नाला है जो जहरीले पानी का है, जहरीले वेस्ट का है, जो पूरे ये नजफगढ़ ड्रेन में पीछे दो दो ड्रेन मिलती है और तब आकर के ये यहाँ मिल रही है, और यहाँ से ये पूरा जहर का नाला ये जमुना जी में मिल रहा है। सामने सिग्नेचर ब्रिज है, आप स्वयं देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। और मैं सिर्फ ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर सकूं। आप देखिए, ये वजीराबाद ब्रिज है, वो देखिए सामने वजीराबाद ब्रिज है, और उस वजीराबाद के उधर पूरा साफ पानी है जहाँ मैं कल खड़ा होकर के दिखा रहा था, और उसके ऊपर हरियाणा से पानी आ रहा है, वहां से पानी साफ आता है, और ये नजफगढ़ का नाला ये सीधे जमुना मैया को प्रदूषित कर देता है। 70% प्रदूषण का कारण ये नाला। और इस पे कभी आज तक अरविंद केजरीवाल जी न तो बयान दिए हैं, न यहाँ कभी देखने आए हैं। और मैं मुद्दा आज ही नहीं उठा रहा हूँ, ये मैं लगातार पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ सांसद बनने के बाद, और ये हमारी लोकसभा में मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि अरविंद केजरीवाल जी, मीडिया की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, दिल्ली की जनता की आंखों पे पट्टी लगाना बंद करो, सच को स्वीकार करो। आप यही जहरीला पानी है जिसके कारण दिल्ली के लोगों को चर्म रोग हो रहे, यही जहरीला पानी है जो जमुना जी में जाने से दिल्ली के लोगों के बाल झड़ जा रहे, यही जहरीले पानी का असर है दिल्ली के तट पे रहने वाले लोगों को कैंसर की शिकायतें हो रही, तरह तरह की बीमारियां हो रही, और आप इसका दोष हरियाणा को देते हैं। इधर तिमारपुर है, आगे पूरी दिल्ली बसी हुई है, नजफगढ़ ड्रेन है, वहां से आ रहे हैं, आप इसको हरियाणा का दोष दे देते हो। जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें। और मैं ये मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बना रहा हूँ, ये मैं प्रिंट मीडिया के लिए बना रहा हूँ कि आप लोग इस सच्चाई को देखें, और इसका इतना प्रेशर होना चाहिए इस सरकार पर कि अब ये सरकार झूठ न बोल सके, आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार, और पूरे देश के लोगों को पता चले, उत्तराखंड को पता चले, गोवा को पता चले, उत्तर प्रदेश को पता चले, पंजाब को पता चले कि इस व्यक्ति के शासन का सच क्या है, अरविंद केजरीवाल के शासन का सच क्या है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इसको ठीक करना असंभव नहीं है, किसी को मैं बोलता हूं ये नाला पैरेलल एक नाला यमुना जी में, इसको नदी से किनारे कर दो और इसको ठीक करो, आसान है। तो मैं मनोज तिवारी, उत्तर पूर्वी दिल्ली का सांसद, मैं पूरे दिल्ली के पूरे देश के लोगों को ये दृश्य दिखा रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो चुके हैं, वो मीडिया के सामने भी जनता के सामने नंगे हो चुके हैं, और इसके लिए कड़ा पनिशमेंट भी बनता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना था। आपको क्या लगता है कि यमुना के प्रदूषण पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। न्यूज 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें।